यहां कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गया। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद है। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, यह हमारा रास्ता है। और इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे। और ऊंचे, और ऊंचे, और ऊंचे। मैं देख रहा हूं कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फॉर एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ लोगों को, कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है। जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है, हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखे। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो वो रख। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे रख। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन लाल किले पर से शायद, वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने दो बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, समना सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं। और इसलिए बार बार ये कहना, हां उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं। हम लोगों का करेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है, जानकारी के लिए, तभी आपको समझने में सुविधा होगी, सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। गुजरात के 50 साल हुए थे, गोल्डन जुबली ईयर था। उस गोल्डन जुबली ईयर का
अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर के किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहां बताना चाहता हूं। मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं उन भाषणों को कंपाइल करके उसका एक ग्रंथ निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था? उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जोखा था। हमारे दल की सरकारें नहीं थी, लेकिन यह हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वो पूर्णतया सकारात्मक था। किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है और आज भी उपलब्ध है, जाकर के देखे। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं है और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। कि हम हैं, हमारी सोच है, प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं। और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है तो फिर दस फॉर एंड नो फर्दर। आज मैं रिकॉर्ड पर ये चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है जी, और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया है तो 125 करोड़ देशवासियों में सबको आते हैं जी। और इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया किसने किया किसने किया, आज 25 जून है साहब, जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। पच्चीस जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। न्यायपालिका का जजमेंट था, न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जाता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प, उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा।
संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए, जाति पंथ संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति पंथ संप्रदाय भाषा सबसे परे उठर करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश से मतदान। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।